मैं अपना जो समय सीमा को समझते हुए मैं अपना जो वक्तव्य है मैं सिर्फ अपने क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों और हमारे खासतौर अरुणाचल प्रदेश के विषय में मैं रखूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप सबको कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब पिछले साल गए थे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने रखा था उन्हें बात रखा था विकास की प्रगति की एक गति की, लेकिन जिस प्रकार से आज हम अपना जो वित्त मंत्री जी का जो बजट स्पीच हमने देखे हैं तो हमारा जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उन्होंने क्या रखा है मैं संक्षेप में सिर्फ आंकड़ों की बात करूंगा। आज जो भाषण सब चल रहे थे उसमें आंकड़ों की बात नहीं, लेकिन हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है ये अपना मेनलैंड इंडिया से अलग है, उसमें बहुत खामियां हैं, उसमें बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं खासतौर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल और उसके बाद हमारे डोनर मिनिस्ट्री की जो आप राशि रखता है उसमें जो आवंटन आपने रखा है उस विषय में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आपने इस साल 33,000 करोड़ की बात रखी है जो पिछले साल से बस 2,000 करोड़ की उसमें बढ़त है। उसमें आप कहते हैं कि इसमें एक बड़ा लंबा उछाल होगा, एक क्वांटम जंप होगी, तो इसमें हमको कोई क्वांटम जंप हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा वहां 7 सिस्टर्स है, 7 बहन बोलते हैं और 1 भाई है सिक्किम, तो इतने राज्यों में आप सिर्फ 2000 करोड़ की आवंटन करके एक बहुत बड़ा उछाल रख रहे हैं। इसमें मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा, गुंजाइश करूंगा कि इसमें इसको आप थोड़ा इसको सीमा को आप फिर देख लीजिएगा। जब आप हमारे मनरेगा के बारे में जब आप बोलते हैं तो इसमें इस बार आपने 38,500 करोड़ की आपने 1,000 करोड़ की आपने राशि रखा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आप खुद ही जानते हैं कि इसी सदन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कांग्रेस का ये विफलता का ये सबूत है। क्या यही इसी टाइप पे आप इसी जैसे जितने भी हमारे जो कार्यक्रम है ये तो कॉपी पेस्ट वाली बात आ जाती है। आप देखिए आप राजीव गांधी वितरण योजना को बोलिए आप उसको दीनदयाल बोल दीजिए, केंद्र आवास योजना तो आप उसको प्रधानमंत्री आवास योजना बोलिए। सिर्फ इसमें जितने भी हमने काम किए हैं शायद इसमें आप भी उसका समर्थन करेंगे कि हमने कुछ गरीबों के लिए पिछड़ी वर्गों के लिए हमने भी कुछ सोचा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों को मिसगाइड करना चाह रहे हैं ये हम आपका लोगों को हम पहुंचाना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मनरेगा में क्या हो रहा है, पिछले 2 साल आपकी सरकार है, पहले तो आपने बोलता हमको हुकूमत में हमको क्या मिला, तो 2 साल में अभी भी हमारे वहां लोगों को जब मनरेगा की बात करती है तो उसमें सिर्फ 5 दिन का 10 दिन का 11 दिन का वो राशि देती है। तो आपका जो 2000 करोड़ की जो नौकरियां देंगे आप यहां पे बेरोजगारी को दूर करेंगे ये सब आपका वो तो वो आपका विफलता हुआ, वो हमारा विफलता नहीं। हमने कोशिश की थी इन सबको योजनाओं को लाने के लिए। MIS के कारण जो रिपोर्ट मिली है वहां पे हमारा टेलीकॉम का सिस्टम प्रॉब्लम है, दूरदराज इलाके में हमारे रिपोर्ट्स देना मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं कहूंगा वित्त मंत्री जी को भी या हमारे जितना ग्रामीण विकास मंत्री को भी कि इसमें हमको एक सुविधा देना चाहिए कि जो राशि है उसको राशि को आप पूरा पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं से आपके 48 करोड़ हो या 40 करोड़ हो 1,000 करोड़ हो वो हमारा कुछ लाभदायक नहीं हो ग्रामीण और दूरदराज लोगों के लिए। मैं फिर जब सिंचाई योजनाओं के बारे में बोलेंगे जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जब हम बोलेंगे, पिछले बार मैंने इसको बोला है कि हमारा वहां जिस प्रकार से चीन ने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं उन पावर प्रोजेक्ट्स के विषय में आपने क्या कदम लिया है, आप चीन के साथ क्या आप उनसे बातचीत किए हैं, आप जब ब्रह्मपुत्र कोई नदी को बंद कर देंगे चार चार उसमें आप पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो असम हो या हमारे जितने पूर्वोत्तर राज्यों के जितने भी हमारे राज्य हो वहां में पानी का उसमें किल्लत होगी, उसमें प्रॉब्लम्स होगी, तो उसमें क्या आपने एक योजना लिया है या आप किस प्रकार से आपने एक एग्रीमेंट किया है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है, इसके में भी आप उसका जरूर आप जवाब में आप दीजिएगा। जो आपने हमारा वहां पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आपने एक पर्यटन के लिए आपने जो राशि रखा है इसको भी आप देख सकते हैं कि एक राज्य में आप सिर्फ 6 करोड़ का राशि रखेंगे
उसमें हमारे ईच स्टेट में आप किस प्रकार से आप वहां पे आप डेवलपमेंट ला पाएंगे. जस्ट वन मिनट सर, जस्ट कंप्लीट सर. और उसके बाद आप जब रोड्स के बारे में बोलेंगे, आप यातायात की बात करेंगे, वो सबसे जब आप विकास की बात करेंगे तो यातायात की बात आना चाहिए. तो उसमें सिर्फ 150 करोड़ का एक राशि रख के आप किस प्रकार से आप रोड वहां बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, ये हमको उसका जवाब चाहिए. वैसे तो बहुत सारे आप समस्याएं हैं हमारा, लेकिन फिर भी मैं हमारा वित्त मंत्री जी को मैं जरूर कहूंगा कि रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात होती है, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो. रिश्ते तो वो होते हैं जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमारे उनका याद है. तो हमारा वहां अरुणाचल प्रदेश जो लैंड ऑफ द डाउनलिट माउंटेन्स कहते हैं, वो जो एकदम पूर्व उत्तर में जो एक प्रकृति का एक देन है आप सबको, उसको अगर आप छोड़ देंगे तब किस प्रकार के आप विकास लाएंगे. आप क्या जब आप वहां बांग्लादेश के लिए कनेक्शन के लिए करते हैं, आप लुक ईज बोलते हैं, आप एक्ट ईज बोलते हैं, लेकिन सिर्फ वो सिर्फ आप एक जुमलाबाजी है, सिर्फ एक जिस प्रकार से आप भाषण देते भाषणबाजी होती है. जब तक आप इसको आपका जो हमारा विकास का डर आप उसको नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उसमें और ज्यादा राशि नहीं देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए. आप देखिए, जब हम 2000 करोड़ की एनईसी में आप प्रोजेक्ट हम मांग रखते हैं, उसमें आप सिर्फ 700 करोड़ देंगे, किस प्रकार का विकास आएंगे. इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ सर, हम एक ही पार्टी के, इसलिए आप हमको और मौका देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे समय सीमा कम होते हुए भी आपने एक मौका दिया. और वित्त मंत्री का मेरा खास रिक्वेस्ट है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश खासतौर जो चीन का इतना दबदबा है उसके अलावा आप जरूर सुनिए. धन्यवाद. जब इतिहास लिखा जाएगा कि जरूर लिखा जाएगा कि एक चिड़िया जो जंगल की आग को बुझा रही थी और हमारा नाम आग बुझाने वालों में है होगा, तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में होगा.